बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की जिंदगी में मिस्टर इंडिया कहे जाने वाले अनिल कपूर का अहम रोल रहा है। एक समय था जब माधुरी बॉलीवुड में फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उनको इंडस्ट्री में वे एक पहचान नहीं मिल रही थी जिसकी उन्हें तमन्ना थी। ऐसे में अनिल कपूर उनके लिए मसीहा साबित हुए। 1988 में आई फिल्म तेजाब में फैंस ने माधुरी दीक्षित के किरदार मोहिनी को खूब पसंद किया। यहां तक कि इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया गाना 1 2 3 तो आज तक लोगों के जुबान पर है। इस फिल्म के बाद माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड से कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। उस दौरान माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर के साथ जमाई राजा तेजाब, बेटा खेल, किशन कन्हैया और राम लखन जैसी फिल्मों में काम किया। ये सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई और इसके साथ इनकी जोड़ी भी। माधुरी दीक्षित ने अपने दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अनिल कपूर हमेशा से उनके लिए बेहद खास इंसान रहे हैं। माधुरी के मुताबिक उनकी सफलता के पीछे अनिल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की लव अफेयर की। दरअसल उस दौरान ऐसी खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी कि अनिल और माधुरी के बीच में कुछ चल रहा है। अनिल कपूर उस समय शादीशुदा थे। कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर के साथ शूटिंग के अलावा भी काफी समय साथ बिताती थीं, जिस वजह से यह एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि माधुरी ने खुद ही अनिल के लाइफ से दूर चले जाने का फैसला ले लिया। दरअसल एक दिन फिल्म के सेट पर अनिल कपूर की वाइफ अपने बच्चों के साथ आई। जब माधुरी ने उन सब को एक साथ इतने खुश देखा तो उन्हें अपने आप पर काफी गुस्सा आया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से अनिल की पारिवारिक जिंदगी में किसी भी तरह की परेशानी आए। इसके बाद माधुरी दीक्षित का नाम संजय दत्त के साथ जोड़ा जाने लगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो माधुरी दीक्षित ही बेहतर तरीके से जानती होंगी।